जब ये डिमांड बढ़ती है तो इन मटेरियल को बनाने वाली फैक्ट्रियां ज्यादा लोगों को रखती हैं, ज्यादा ट्रांसपोर्ट वालों की जरूरत पड़ती है उनको लगाती है, जहां ये सामान बिकता है उन दुकानों में भी लोगों को रोजगार मिलता है। और सतना से बेहतर इसको कौन समझ सकता है? सतना तो चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए भी जाना जाता है। घर बनते हैं तो सतना के सीमेंट की डिमांड भी बढ़ जाती है। घर बनाने के काम से जुड़े श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, पुताई, फर्नीचर बनाने वाले, उनको भी ढेर सारा काम मिलता है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ही 50,000 से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं। इनमें से भी 9-10 हजार हमारी माताएं बहने, लोग उसे राजमिस्त्री भी कहते हैं, लोग उसे रानी मिस्त्री भी कहते हैं, यानी हमारी बहनों को एक नई कला, रोजगार के नए अवसर से जोड़ने का कितना बड़ा काम पीएम आवास योजना के माध्यम से हो रहा है। वरना पहले तो निर्माण के क्षेत्र में बहनों को सिर्फ अनस्किल लेबर यानी अकुशल श्रमिक ही मान लिया जाता था। मध्य प्रदेश में ही अभी तक 22,000 करोड़ रुपए इन घरों को बनाने में खर्च हुए हैं। अब आप भी सोच सकते हैं 22,000 करोड़ गए कहां? घर बना, लेकिन जिन पैसों से घर बना ना, वो पैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग कामों में गए, लोगों के घरों में गए।